हेलो एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आई एस आई होप यू आर डूइंग वेल यूपीएससी मेंस 2022 की जो शुरुआत थी वो कल से हुई थी कल ऐसे का पेपर था और आज था जीएस पेपर नंबर वन ठीक है तो जीएस पेपर नंबर वन में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एन सोसाइटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलते हैं तो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ गया है ये सब आप देख सकते हैं कुछ टेन मार्कर क्वेश्चन है कुछ फिफ्टीन मार्कर क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर ठीक है भक्ति मोवमेंट जो हो गया भक्ति लिटरेचर ठीक है ये सब प्रम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज मेन्स में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला है सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बेंगोल एंड ब्रह्मो समाज तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है दर्ड क्वेश्चन इज असेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज एंड सोशियो कल्चरल प्रोग्राम इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट ठीक है तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस

उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन वट आर द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिकेक्लमेशन ऑफ वाटरबॉडीज इन टू अर्बन लैंड यूज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर सेवेंथ मैंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्कैनिक इराप्शन इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल इन्वायरमेंट तो हमें देखने को मिला है कि वॉल्केनिकप्शन काफी ज्यादा जो आइलैंड है उन सब में हुआ है ठीक है तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया एंड आपसे पूछा गया है। एथ क्वेश्चन इज वाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टीनेंट इलेबोरेट योर आंसर नाइन्थ क्वेश्चन एग्जामिंग द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम वेन कंपेयर टू मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम ठीक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह टेंथ क्वेश्चन एग्जामिंग द रोलग इकनॉमी इन द प्रोस ऑफ इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया देखो गिग इकोनॉमी आफ्टर पेंडेमिक इट हैव बिकम ऐसी एक टॉपिक जो कि हर जगह हमें देखने को मिला है ठीक है एक गी इकोनॉमी हम द हिंदू में भी बार बार देखते थे कि आर्टिकल्स एडिटोरियल उस पर आते रहते थे तो ये क्वेश्चन एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो कि आएगा ऑल्सो यूपीएससी का हम सबको मालूम है कि वो वुमेन इशू से रिलेटेड वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हर बारी ही मेन्स में लेकर आते ही हैं ठीक है तो दिस वॉज अ वेरी आ,

क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ब्रीफली मैंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देअर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन विद एग्जाम्पल्स ठीक है तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें इस बात देखने को मिले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्टिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ द एंटार्कटिक डिफरेंटली इफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ ठीक है आर्टिक एज वेल एज एंटार्कटिक पूरे साल करंट अफेयर में रहा है ठीक है किसी ना किसी वजह से तो ये क्वेश्चन वहीं से ही आया है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड ओके क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आई टी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज ऑफ द इंडिया ठीक है तो ये जो सर्विस सेक्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर एटीन डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव दम इन इंडिया इन डिटेल्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वट इज क्रिप्टो करेंसी हाउ डज इट इफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी हैज़ इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो ठीक है तो क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो ऑफ क्वेश्चन दैट वॉज ऐसा था कि दिमाग में कि इट कैन बी इजीली आस्क क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा चल रहा है ठीक है ऑल्सो आफ्टर पैंडमिक क्रिप्टो uh, करेंसी को हमें देखने को मिला कि जो मार्केट है वो कभी बूम कर रही है कभी कुछ कभी इंडियन गवर्नमेंट का आ रहा था कि इसे लीगल स्टेटस क्यों नहीं देना चाहिए ठीक है बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी एडिटोरियल हमें देखने को मिल रहे थे तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से पहले से ही पता था कि हाँ इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज़ इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज ट देंजेस टेकिंग प्लेस इन इट ठीक है तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये यूपीएससी बच्चों से ओवरऑल अगर हम पेपर को देखें तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो की पता था कि हाँ पूछे जा सकते हैं बिकॉज दे वर इन करंट अफेयर ठीक है जैसे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ठीक है तो काफी ज्यादा पता था कि हाँ ये आ जाएगा गी इकोनॉमी से रिलेटेड पता था कि हाँ यूपीएससी हमारे से क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है तो पेपर मॉडरेट था बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। जीएस पेपर नंबर वन हमने डिस्कशन में ले लिया है जल्द आज ही हम जीएस पेपर नंबर टू भी डिस्कशन में लेंगे देखेंगे यूपीएससी कैसे टाइप के क्वेश्चन इस साल जो बच्चे हैं उनके लिए लेकर आया है तो तो फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए लेकर आया है और उनको डिस्कशन में लेंगे थैंक यू वेरी मच